नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना नगर कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए चार अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध शस्त्र निर्माण व बिक्री करने वालों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री को जब्त करते हुए चार अभियुक्तगणों को यादराम के मकान बिमला रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पकड़े गए अभियुक्तगणों के नाम जावेद पुत्र फैज मोहम्मद निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, शमशाद पुत्र नत्थू निवासी सरफराज अन्नू मेंबर वाली गली दक्षिणी खारापार, दानिश पुत्र ताहिर सिद्दीकी निवासी महमूदा पन्नी फैक्ट्री वाली गली मोहल्ला किदवाई नगर और तस्लीम पुत्र शमीम अहमद निवासी गांव ततियाना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर हैं, जबकि इनका एक साथी वसीम पुत्र रशीद निवासी अंबा विहार खालापार जनपद मुजफ्फरनगर अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में लोकसभा समान निर्वाचन के दृष्टिगत यहाँ पर अवैध शस्त्रों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आसूचना के आधार पर एसपी सिटी, सीओ सिटी और कोतवाली ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे। इसमें दानिश, जावेद, शमशाद और तस्लीम, ये चार लोग पकड़े गए हैं। इसमें दो व्यक्ति शमशाद और तस्लीम पहले भी असला फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुके हैं। इसमें बाकी दो लोग उनका सहयोग कर रहे थे और इसमें ये ग्राहक ढूंढने की फिराक में थे। इसमें एक व्यक्ति वसीम अभी फरार है, जिसके ऊपर पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें कुल 22 अवैध शस्त्र मिले हैं, जिसमें 5 पिस्टलें हैं और 3 रिवॉल्वर हैं, 9 तमंचे हैं। इसमें बंदूक, पौनिया और वेल्डिंग की मशीन, मिलिंग मशीन, वाइस और अन्य अवैध असला फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो मिले हैं। इसमें वसीम की गिरफ्तारी के लिए टीम्स कंटिन्यूसली दबिश दे रही हैं, उसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये पिस्टलों के रेट से 50 से 60 हज़ार के करीब रखते थे और अवैध तमंचों के रेट ये लोग 15 से 20 हज़ार के बीच रखते थे। अभी जिन्होंने भी इनसे संपर्क किया है उसके संबंध में डिटेल में पूछताछ की जा रही है। यदि लाए थे तमंचे को और कहाँ यूज होने? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा समान निर्वाचन में ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इससे हिंसात्मक घटनाएं या लोगों को धमकाने के लिए यदि किसी को इस प्रकार के अवैध शस्त्रों की जरूरत पड़ती है तो उसको बेचें। सर, पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक सभी वहीं पे बनाई जाती है या कहीं से बाहर चला रहे थे? इसमें जो पूछताछ हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ें ये खुद बना रहे थे, कुछ असलहे ये बाहर से लाने की बात है जो वसीम ला रहा था। वसीम अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश। हाँ, अभी जो बात इनसे की गई है उसमें ये पता चला है कि ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही इसको इन्होंने इकट्ठा किया था, ताकि यदि अगर कहीं मांग होती है तो इसको सप्लाई किया जा सके। टीम को पुरस्कृत किया जाए? हाँ, इसमें SHO कोतवाली और उनकी टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।